नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच दूरियां कम होती नजर आ रही हैं। हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद कयास लग रहे हैं कि दोनों नेताओं के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है। कहा यह जा रहा है कि हरक सिंह रावत जल्द ही घर वापसी कर सकते हैं। उत्तराखंड का सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया है। चर्चा है कि अब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं और कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। इन कयासबाजियों से तब और बल मिला जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कई दिनों की कड़वाहट को खत्म करने की कोशिश करते हुए रविवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत को सरप्राइज फोन किया और कहा कि आपदा में तो सांप और नेवला भी एक हो जाते हैं, आप तो मेरे भाई हैं। इस बातचीत का मकसद भले ही रामनगर के आपदा ग्रस्त चुकुम गांव में राहत और बचाव के कार्य पर फोकस रहा हो, लेकिन इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। आपदा के समय में सांप और नेवला जो है एक ही उसमें तैर जाते हैं, हम तो दोनों भाई हैं। ये हमारे लोगों पर बड़ी आपदा आई है, आप फॉरेस्ट मिनिस्टर हो, ये आपदा आई है, चुकुम गांव है, चुकुम गांव मोहान के सामने उन पर, और एक सुंदर खाल में आई है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है और सलाह भी है कि आप ये दोनों गांवों को आकर के जरा सा देखिए। ये आपदा का समय है, इस समय प्रदेशवासियों पर मुसीबत आई है, तो ऐसे में अगर वो दोनों इकट्ठा होकर उन समस्याओं का निस्तारण करना चाहते हैं, अपने जो भी उनके मनभेद मतभेद या जो रंजिशें कह लीजिए उन सबको भुलाकर अगर वो प्रदेश के हित की बात कर रहे हैं, प्रदेश के जनता का बेहतरी के लिए अगर दोनों साथ आ रहे हैं, तो फिर उसमें भविष्य की जो लोगों को संभावनाएँ नज़र आ रही हैं तो भविष्य आने पर पता चल जाएगा। हरदा और हरक के बीच बातचीत को बीजेपी के नेता गंभीरता से नहीं ले रहे। बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के ड्रामे रोज करते रहते हैं। कि हरक सिंह जी ने जो बात की है वो एक प्रकार से एक वरिष्ठ नेता के प्रति उन्होंने जो पहले शब्द प्रयोग किए गए उसके बारे में उन्होंने एक सदाशयता का परिचय दिया। अब उसके बाद हरीश रावत जी ने कहा कि सांप नेवला की बात छेड़ दी, उसके बाद कभी वो कहते हैं कि माफ़ी जब तक नहीं मांगेंगे, वो जाड़ू शब्द प्रयोग करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की बयानबाजी की जा रही है ये अपने आप में केवल और केवल चर्चा का बिंदु बने रहने के अलावा कुछ नहीं है। पिछले कई दिनों से हरीश और हरक के बीच का जुबानी जंग थमी है। ऐसे सियासी गलियारों में एक बार फिर हरक सिंह की कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं तेज होने लगी है। पहले हरक सिंह ने हरीश रावत के साथ खून माफ करने का बयान देकर माफी मांगी, इसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने हरक को लेकर बयान दिया और अब हरीश और हरक के बीच फोन पर सामान्य बातचीत को इस बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जनता के विकास से भले नेताओं का कोई सरोकार हो न हो, लेकिन अपने बयानों से लगातार नेता सुर्खियों में बने रहते हैं और यही वजह है कि आजकल कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बयानों से खूब चर्चा समेटे हुए हैं। वहीं हरक सिंह रावत का सीधे तौर पर कहना है कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनसे माफी मांगता हूं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीधे तौर पर उन पर पलटवार है कि वो मेरे से नहीं बल्कि लोकतंत्र से माफी मांगे। जी हां, देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से अटकलें हैं हरक सिंह रावत की पार्टी में आने की लगी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत उनको अपनी पार्टी में न्योता देते हैं या फिर इसी तरह की बयानबाजी लगातार जारी रहती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग चल रही थी उसके बाद इसका पटाक्षेप होता दिख रहा है, लेकिन सियासत में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नज़र नहीं आती और जो नज़र आ रही होती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है। आप इसको किसी बॉलीवुड के फिल्मी डायलॉग से भी ऐड कर सकते हैं। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा मेरे साथ देवेंद्र भसीन जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, संजय भट्ट जी जुड़ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और थोड़ी देर में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिनिधि इस चर्चा में जुड़ेंगी। पहला सवाल देवेंद्र भसीन जी आपसे ही है, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और एक दो जो भी नाम हैं इनको लेकर बड़े दिनों से कयास लग रहे हैं। सवाल सीधा और सपाट यही है कि क्या ऐसी खबरें भारतीय जनता पार्टी को
इंटरनल सोर्सेस के मार्फत है कि आपके पार्टी के कई बड़े नेता, विधायक, मंत्री कांग्रेस पार्टी में जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसको बल यशपाल आर्य के जाने के बाद ज्यादा मिल रहा है। देखिए धर्मराज जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कोई भी नेता, चाहे वे रावत हो या कोई अन्य, कांग्रेस में जाने वाले नहीं। और ये जो बयानबाजी हरीश राव जी करते रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो उनके एक प्रवृत्ति का अंग बन गया है कि किस प्रकार से मीडिया में रहा जाए। उदाहरण के आपदा उत्तराखंड में चल रही है, एक सप्ताह तक कांग्रेस के हरीश रावत जी और उनके नेता केवल अपने कमरों में बंद रहे और अब वो आपदा पर निकले हैं और अपने आप को राजनीतिक तौर पर रखने के लिए मीडिया में इस प्रकार के बयान देते हैं, एक बात। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी एक शब्द कहा गया सांप नेवला का, अब सांप तो शब्द है वो अपने आप में बहुत गंभीर है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे हरक सिंह जी इस मामले पर कांग्रेस में जाने वाले हैं। और हरक सिंह जी ने बार बार इस बात को कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, कांग्रेस में नहीं जाते हैं, लेकिन हरीश रावत जी क्योंकि पंजाब के प्रभारी से मुक्त हो चुके हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री पद से भी हटा दिया गया है, तो अपनी राजनीति अस्मिता को बचाने के लिए इस प्रकार से उत्तराखंड। लेकिन सर सर एक इसमें काउंटर है, चलिए हरीश रावत की बात को थोड़ी देर के लिए हम साइडलाइन कर देते हैं। दो दिन या तीन दिन पहले हरक सिंह रावत का ही बयान इसी तरीके से आया था, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हरक सिंह रावत ने कहा था कि अगर हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, अगर मुझे चोर भी कह देंगे ना तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसके क्या मायने हैं? देखिए जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने कहा, आप उसके पे जाएंगे तो बहुत तर्क शब्द का प्रयोग इधर से उधर हुआ, लेकिन ये सदा है हरीश हरक सिंह जी की, इन्होंने हरीश रावत जी के प्रति इस प्रकार से वरिष्ठ है कहा है, तो सदाश्ता में लेना पड़ता है, ना कि ये मान लेना कि वे पार्टी छोड़ करके जाने वाले हैं। और एक बात मैं धर्मराज राजनीतिक तौर पे भी कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो उत्तराखंड क्या पूरे देश को डूबता जा रहा है, कौन हरीश रावत जी की बात छोड़िए, हरक सिंह जी की छोड़िए, कौन कांग्रेस में जाना चाहेगा? अगर अभी यशपाल जी का अगर आप उत्तर प्रश्न उठाएंगे तो उनके तो कुछ निजी मसले हैं, आप जानते हैं उसकी मैं चर्चा नहीं। सर सर मैं इस बात को डॉक्टर देवेंद्र भसीन इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि जब दिल्ली में कई उत्तराखंड के विधायक, तीन विधायक संभवतः, एक निर्दलीय कांग्रेस के भी जिनका जुड़ा कांग्रेस में एक तरीके से बागी थे, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो अनिल बलूनी का एक टिप्पणी था, अनिल बलूनी ने कमेंट किया था कि कांग्रेस कितने लोग हमारे पास आ रहे कि हमें नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से काउंटर किया गया था कि 15 दिन रुक जाइए, हम आपको बताते कि कहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगना है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा डैमेज नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिया, यशपाल आर्य के तौर पर, आप उसको प्रवक्ता के तौर पर डिनाई कर सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। और अब फिर से वो ये बातें कह रहे हैं कि और भी लोग हैं, तो उन्होंने पहले किया फिर ये दावा कर रहे हैं, इसलिए ये चीज प्रबल हो रही है सर। देखिए हमको फेस वैल्यू भी लेनी पड़ेगी और राजनीतिक परिस्थितियों को भी लेना पड़ेगा। पहली बात तो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थितियां हैं वो साफ बता रही हैं कि अगली सरकार भाजपा पार्टी की ही बनने वाली है, इसमें दो राय नहीं है, एक बात। और कांग्रेस के जो स्थिति है, उत्तराखंड के अंदर भारी गृह युद्ध चल रहा है, अभी हरीश रावत विक्रम सिंह जी के बिल्कुल साफ स्पष्ट दो अलग अलग खेमे हैं, केंद्र के अंदर हालात हम जानते हैं, और नवीनतम मामला चूंकि हरीश रावत जी को राष्ट्रीय महामंत्री पद से हटाया गया है, अब उनके सामने चुनौती है कि जो डैमेज उनकी इमेज को हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, उस डैमेज को उत्तराखंड में और डैमेज होने से कैसे रोका जाए। तो हरीश रावत जी के जो बयानबाजियां हैं मीडिया में रहने के जो कहते हैं, ये केवल वही डैमेज होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई डैमेज होने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी डैमेज नहीं होगी। और ठीक है सर, आप पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इस चीज को आप अपने पार्टी की बातों को पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। संजय भट्ट, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये जो चल रहा है कि आप अपने तरफ से दो खिलाड़ी इधर भेजो, वो दो खिलाड़ी इधर भेजेंगे, आम आदमी पार्टी भी तो इस पर पूरी नजर बना कर रख रही होगी। देखिए धर्मराज जी, मुझे एक बात याद आई, मायावती जी ने एक बार संसद में कहा था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नागनाथ है एक सांपनाथ, वही बात
अब हरीश रावत जी ने कह दिया कि सांप और नेवला भी दोस्त हो सकता है, साथ आ जाते हैं। तो अब क्योंकि एक तरफा ही बात सुनाई दे रही थी, जो वीडियो वायरल किया हरीश रावत जी ने करवाया जानबूझ के, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने कहा होगा कि हाँ सांप और नेवला एक साथ हो सकता है, लेकिन इसमें समझने का अभी समझ नहीं आ रहा है कि सांप कौन है और नेवला कौन है। असल में ये दोनों ही नागनाथ सांपनाथ सांप और नेवला है। इन्होंने उत्तराखंड को पिछले 21 साल में सिर्फ और सिर्फ सांप और नाग की तरह और नेवले की तरह ही लूटा खसोड़ा है। आज भी आपदा का समय है, आपदा के समय में आपदा के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, दल बदल दल बदल इधर उधर। जिस दिन ये आपदा आई और पता चला कि अभी तक 16 उस समय तक 16 से ज्यादा लोग मर चुके थे, ऐसी सूचना आ चुकी थी, तो हरक सिंह रावत जी और कांग्रेस के प्रीतम सिंह जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दोनों वीडियो वायरल कर रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की सोच है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने उत्तराखंड में मर जाए, कितने लोगों को हताहत हो जाए, कितने घर टूट जाए, कितने के खेत चले जाए, कितने के पशु चले जाए या पूरी खेती चली जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब। ठीक है सर, आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे डॉक्टर देवेंद्र वसीम। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे छोटे भाई संजय जी ने जो कहा है, तो मैं पार्टी तो बड़ी भारी निराशा की स्थिति में है, क्योंकि इनका अपना ना तंत्र है ना जमीन पर कुछ है। ये बहुत उम्मीदें कि भारतीय जनता पार्टी के हम पांच विधायक पांच मंत्री तोड़कर कर ले आएंगे और एक बंदा भी ये तो जा पाए ये जाते वहां के वहीं खड़े हुए। एक बात उन्होंने आपदा की बात करी, तो आपदा में भी इन्होंने कुछ नहीं किया कांग्रेस के लिए कहा, वो आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है, ये केवल घर बैठ के। या दूसरी ओर आपको ध्यान में होगा, आता हूं संजय भट्ट जी, आता हूं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश, भारतीय जनता दिल्ली प्रदेश की तरफ से उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए 20,000 राहत के पैकेट जो भेजे गए हैं, और एक आम आदमी पार्टी है जिनके केजरीवाल जी और दूसरे नेता आते तो रहे यहाँ पर बड़े बड़े कार्ड बांटने के लिए, लेकिन धरातल पर उत्तराखंड सब परेशानी में है, जनता यहाँ की एक क्षेत्र विशेष में बहुत दिक्कतें हैं, वहां पर ये केवल कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, तो आमद के बीच में है ही नहीं। चलिए ठीक है सर, डॉक्टर देवेंद्र भसीन, सुजाता पॉल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, फोन लाइन से जुड़ रही हैं सुजाता पॉल जी। सुजाता पॉल जी मेरे साथ देवेंद्र भसीन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और संजय भट्ट जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो आपको सुनेंगे। क्योंकि आप देरी से जुड़ी हैं, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछूंगा, हरक सिंह रावत और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या पक रहा है, और अगर पक रहा है तो उसका रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए अभी अगर आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि वो तो मंत्री हैं, और मंत्री हैं तो देवेंद्र भसीन बताए कि प्रचंड बहुमत की सरकार के मंत्री उनसे क्या निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, या जो इस तरह की बातें करी जा रही हैं, जो ये आकलन लगाया जा रहा है कि शायद वे उनकी पार्टी को छोड़ेंगे, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग कितने नाराज है, ये अपने कुंबे को नहीं संभाल पा रहे, और कुंबा भी वैसा जो दूसरों के घरों को तोड़ के बनाया गया हो, ऐसा घर निश्चित ही टूटता है। जहां तक बात है हरक सिंह रावत जी की, तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनका ये कार्यकाल ऐसा है जो सबसे कम कार्य जिसमें उन्होंने किया, ये बताता है कि ये सरकार गला घोट देती है अपने मंत्रियों का, अपने नेताओं का। नहीं नहीं सुजाता जी, अगर इस बात को, अगर मैं आपकी बात को मान भी लूं, तो एक नॉन परफॉर्मर को आप क्यों अपनी पार्टी में लेने के लिए इतने आतुर हैं? उन्होंने क्या कहा? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हम लेने को आतुर हैं, भाई हमारे दरवाजे तो सदा सबके लिए खुले हैं, देवेंद्र भसीन जी हमारी पार्टी से गए थे और उसके बाद तोड़ते हुए लेते जा रहे हैं, अभी बात कर रहे थे तोड़ने की और जोड़ने की, तो इनसे पूछे जरा ये जो तीन विधायक इन्होंने तोड़े ये क्या है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी से या किसी भी पार्टी से कोई इनके पास जाने को तैयार नहीं है, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल का एक अंश मात्र बचा था प्रीतम सिंह पवार में, उसको भी तोड़ दिया इन्होंने, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो कांग्रेस पार्टी से ले जा के स्वयं को बना रहे थे, मगर आज कोई इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं, कोई इनके साथ खड़े होने। ठीक है मैम, तो मुझे बताइए ना, हरक सिंह रावत कब ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस? मैंने आपको कहा ना कि देखिए हरक सिंह रावत जी ज्वाइन करते हैं या नहीं ये तो बात का विषय है, आम आदमी पार्टी को देखिए ये कहां से लेके आए, ये तो अपने कुंबे को संभाले, जिन लोगों ने इनकी पार्टी के लिए बड़ा काम किया आज तो वो भी छोड़ने को तैयार बैठे हैं, पूछ लीजिए। और जहां तक कांग्रेस की बात, ने आपको क्या कहा कि जो हमारे पास आना जाएगा उसके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने भी एक बात कही है
कि जो साफ छवि का होगा, जो काम कर सकता होगा उसको हम लेंगे। तो अगर कोई काम नहीं कर पाए हम, अगर वो सक्षम होगा तो निश्चित तौर पे दरवाजे उसके लिए भी खुले होंगे। पर ये तो वक्त बताएगा कि हरक सिंह रावत के लिए दरवाजे खुले हैं या बंद हैं। आता हूँ सर। देखिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ऐसा कोई भी नहीं है, चाहे वो हरक सिंह रावत हो और जो सुबह का बूढ़ा अगर शाम को घर आ जाए तो उसको। हाँ, ये आपने आखिरी लाइन अच्छा कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए अलग बात है, वो 4.5-5 साल वक्त हो। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, सभी प्रखर प्रवक्ता हैं। मैं चाहूंगा कि मैं संजय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन देवेंद्र भसीन की तरफ बड़ी हमले में सुजाता पॉल जी के लिए, देवेंद्र भसीन ही जवाब दें। सर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हरक सिंह जी जब कांग्रेस से आए थे तो इन्हीं रावत जी के जो व्यवहार था और अलग राजनीति थी और ना खाता ना बच जो कहे वो सही, उसी के कारण आए। दूसरी बात, अभी जो उन्होंने कहा कि वो असंतुष्ट है अपने काम से, कोविड काल में हम जो काम करना चाहते थे, जो विकास आगे बढ़ाना चाहते थे, हमें निश्चित तौर पर सभी सरकारों के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, देश में सभी सरकारों के लिए दिक्कतें आई हैं, ध्यान बटा है, तो एक समस्या है। निश्चित तौर पर हरक सिंह जी के मन में बहुत ऊंची बात थी, लेकिन कोविड काल में दिक्कतें आई है, उन्होंने दूसरी बात पे कहना। और तीसरी बात मैं सुजाता से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझ पर व्यक्तिगत आक्षेप जो करती है ना कभी कभी, कृपया मेरे 31 साल से अधिक समय भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने काम किया है, विचारधारा आधारित किया, व्यक्तिगत बात में अगर आपके और आपके बैकग्राउंड के बारे में करूंगा तो कड़वाहट बढ़ेगी। कृपया करके हम मुद्दों पर बात करें, मैं वैचारिक तौर पर जुड़ा व्यक्ति हूँ, मैं किसी लालच वाला नहीं हूँ। और सुजाता जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारी छोटी बहन है, मैं इसलिए विनम्रता से कह रहा हूँ, आपने पहले भी एक दो बार ऐसी हिमाकत करी है, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन मैं आज जिस पार्टी में खड़ा हूँ, मैं पिछले 31 साल से अधिक समय से खड़ा हूँ और मेरा कोई लालच नहीं, पार्टी सत्ता में हो चाहे ना हो, मैं हमेशा दृढ़ता से खड़ा रहा हूँ। मैं कांग्रेस और उनके बैकग्राउंड के लोग जिन्होंने समय समय पर कभी कांग्रेस ली छोड़ी कभी बदली, और किसी के परिवार पर बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा निवेदन ये है कृपया सीमा में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है सुजाता जी प्लीज। देखिए व्यक्तिगत आक्षेप तो ये बिल्कुल नहीं है, अगर कोई किसी पार्टी में रहा और किसी और पार्टी में गया तो इसमें कोई ऐसा व्यक्तिगत आक्षेप ऐसा नहीं है जिससे किसी को शर्म आनी चाहिए या किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, इसका तो सम्मान किया जाना चाहिए। 31 साल से भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन ये बात झूठ थोड़ी है, और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं, आपकी बैकग्राउंड बहुत खराब स्थिति वाली है, कृपया मत बोलिए, मुझे बोलना पड़ेगा, आप बहुत कष्ट में आ जाएंगे। नहीं नहीं चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर देवेंद्र भसीन प्लीज, बहुत ज्यादा पर्सनल चीज है, नहीं आना ठीक है, ठीक है नहीं उस पर नहीं जाते, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा है, कृपया मैं ठीक है सर आज की ठीक है सर। कई बार नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सियासत में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, वो भांप लेते हैं कि किस दिशा में हवा बह रही है और वो उस दिशा में जाते हैं और हमेशा सत्ता के करीब रहते हैं, सत्ता के साथ चिपके रहते हैं। कुछ लोग वाकई जो दल बदल करते हैं वो परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको दल छोड़ना पड़ता है या दूसरा लाइन पकड़ना पड़ता है, दूसरे विचारधारा की तरफ जाना पड़ता है, दोनों एक ही तरीके का मामला है, लेकिन दोनों को आप एक तराजू पे नहीं तौल सकते हैं। ठीक है संजय भट्ट साहब, आप भी कुछ कह रहे थे प्लीज। हाँ देखिए धर्मराज जी, पहली बात तो सुजाता जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने कहा कि जो साफ छवि के लोग हैं उन्हीं को कांग्रेस में लिया जाएगा, तो मैं सुजाता जी से पूछना चाहता हूँ कि कर्मकांड बोर्ड घोटाला जो जिसका हरक सिंह रावत जी पे आरोप है और जिसकी जांच भी देवेंद्र रावत जी ने बैठाई थी, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो NH-74 घोटाला कांग्रेस की सरकार के समय पे हुआ था, यशपाल आर्य जी ने किया था, वो हुआ था कि नहीं हुआ था, ये कांग्रेस को बताना होगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो घोटाले करते हैं, घोटाले खूब लूटते हैं, खसोटते हैं उत्तराखंड को, और फिर कहते हैं कि हम साफ छवि के लोगों को लेंगे। अरे साफ साफ बोलो ना, जो लुटेरा होगा उसे, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और जितने भी लुटेरे आ जाए उनके लिए वेलकम है, ये बोलिए। और दूसरी बात, जहां तक अभी देवेंद्र भसीन जी के ऊपर बात आई या दूसरों के ऊपर बात आती है, देखिए कांग्रेस तो इंदिरा गांधी जी ने भी छोड़ी थी, कांग्रेस तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी छोड़ी थी, तो ये तो एक अलग बात है, इस तरह से आक्षेप किसी पर लगा देना सही नहीं होता है, जो सच्चाई है इसमें कोई गलत बात नहीं है, जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं वही मुद्दा ये है
कि भाई ये जो सांप और नेवले हैं 21 सालों से उत्तराखंड को लूट खसोट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं आम जनता के पैसे पे। अरे भैया आप ये बताइए ना, सरकार को इस समय सोचना नहीं चाहिए क्या? सिर्फ 4-4 लाख? ठीक है, नहीं सुजाता पॉल जी, ठीक है ठीक है सुजाता पॉल जी, सवाल सीधा स्पष्ट यही है कि बातचीत अगर चल रही है तो वेट एंड वॉच क्यों हो रहा है अब? क्या कहीं पर किसी मामले को लेकर पेच फंस गया है? क्योंकि ऐसी बातें अंतिम टाइम तक फंसी रहती है कि भाई मेरा रूल क्या होगा, मुझे क्या जिम्मेदारी। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए आज एक नई पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी, कुछ सालों की है, उसमें लोग कहाँ से आएंगे? किसी पार्टी से जाएंगे तभी तो बनेगी वो पार्टी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, है ना। तो इसमें कोई ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपना चुनना कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आज ऐसी स्थिति आ गई है कि आपने इस चर्चा को रखा है जिसमें डॉक्टर बतीन ने क्या कहा मुझे नहीं सुनाई दिया, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि जो जिस पार्टी में जिस वक्त रहता है अपने कार्य को अगर ढंग से करे तो वो सच्चा नेता लोगों का बनता है। अगर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में थे, हमने ये तो नहीं कहा कि भाई वो क्यों थे, लेकिन अगर वो थे और उन्होंने लोगों के लिए कार्य किया होता तो ये अच्छी बात होती। अगर वे स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि ये उनका सबसे कम कार्य किया हुआ कार्यकाल है और उसमें कोविड काल को वो जोड़ रहे हैं, मगर फिर भी उन्हें लगता है कि और अधिक कार्य कर सकते थे कोविड के पहले भी, तो ये बात तो नहीं ठीक है। अगर हरक ठीक है नहीं सुजाता जी, अगर हरक सिंह रावत ऐसा कह रहे हैं, हरक सिंह रावत कोई ऐसे शख्स नहीं है जो पहले बार मंत्री बने हैं जहां तक मेरी जानकारी है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में लंबे वक्त से सक्रिय रहे हैं, लंबे वक्त से मंत्री रहे हैं, तो ये अगर उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है ये हरक सिंह रावत को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि सवाल तो उन पर भी खड़े हो रहे हैं। एक मंत्री अगर चाहे कि मुझे काम करना है तो उनको काम करने से कौन रोक सकता है? ऐसी स्थिति अगर है तो हरक सिंह रावत को समय, हालांकि कुल मिलाकर हम बात इसी चीज को कर रहे थे, लेकर बैठे थे आज, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच जो अदावत चल रही थी उसका पटाक्षेप हम मान लें, लेकिन इस पटाक्षेप से नया गुल क्या खिलेगा इस पर पूरे उत्तराखंड की नज़र है, हमारी भी नज़र है। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र भसीन जी, सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।